अस्सलाम वालेकुम। आई होप से शोर नहीं होगा, आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे सही से। तो बात एक्चुअली ये है कि वकास की वीडियो देख के ये बात जरूर करेगा कि मेरे जाने पे तुमने व्लॉग नहीं बनाया और अब बना रहे हो, लेकिन रीज़न ये है कि पहले अबू बकर था तो उसकी कमी इतनी महसूस नहीं हो रही थी, अब अबू बकर भी जा रहा है तो थोड़ी सी ज़्यादा महसूस हो रही है। तो ये है अबू बकर, ये जा रहे, क्या कहेंगे इस बारे में? बस अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, पहले तो बहुत सी मुश्किल आ गए थे, वो अफगानिस्तान की वजह से फ्लैट वगैरह कैंसिल हो गए सारे, लेकिन अभी थोड़ा कंफर्टेबल है क्योंकि फ्लैट दुबई से फ्लैट्स ऑन है तो वहाँ से इजली हो गए। तो इस वक्त हम है दसियाती पार्क में, मैं आपको थोड़े से इसकी व्यूज दिखाता हूँ। एक्चुअली आई हैव नेवर थॉट ऑफ मेकिंग मनी थ्रू यूट्यूब, कभी ये मेरा गोल नहीं रहा कि मेरा यूट्यूब इतना हो जाए कि मैं उससे पैसे कमाऊंगा। मतलब इसका ये नहीं कि अगर पैसे कभी मिले तो मैं मना करूंगा, पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली लूंगा, लेकिन अभी मैं इसलिए वीडियोस नहीं बना रहा कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा। ये जस्ट होती है अपने दोस्तों की कुछ मेमरीज और दूसरा उन लोगों के लिए जो मुझसे पूछते कि तुम्हारी नई वीडियो नहीं आई है। मतलब दोस्त पीपल, यू पीपल आर लव, जो कि मुझसे ऐसे पूछते हैं कि तुम्हारी वीडियो नहीं आई। लाइक आई एम नॉट दैट बिग क्रिएटर, ना ही कुछ ऐसा कुछ स्पेशल होता है, वही चीज़ है। और आगे इंशाल्लाह बहुत सारा फन होगा, सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, स्टे ट्यून्ड, आगे देखते रहना। सो इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर कंपनी। यस, यू विल सी दिस वीडियो on YouTube, okay? Yeah, that's my channel. Thank you. He's very interesting person that I have ever met. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. One of my favorite places in Bishkek. You should come here if you haven't, and if you have, so koi nahi, bardasht kare. जाकिर ने कहा कि इनके घर आज चावल बने हुए, तो चलो चलते उधर। और अभी रात के 3:30 बजे हम सोने का इरादा चेंज करके यहाँ पे आए, और अभी सीन ये हुआ है कि आते हुए मैं गिर गया हूँ। तो आप हालत देखें, ये मेरा हाथ उंगलियों पे ये और कट लगे, यहाँ पे ये कट लगा है, यहाँ पे ये, और बहुत बुरा गिरा हूँ यार, बहुत डर है। और ये मैं पता है क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी सिंपैथी के लिए, लाइक लोगों को पता चलेगा, पब्लिसिटी स्टंट है कि मैं अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मतलब किसी भी हद तक देखो क्या कुछ कर रहा हूँ मैं, आप लोग के लिए गिर रहा हूँ, छोटे खा रहा हूँ, लेकिन स्टिल आपको एंटरटेन करना हमारा मकसद है। नहीं, चावल खाने नहीं, चावल इज़ नॉट प्रायोरिटी, क्योंकि मुझे खुद भूख नहीं लगी, भूख इन लोगों को लगी, दिखाओ इनको। और पता है मैं गिरा किसकी वजह से हूँ, ये इस मनहूस की वजह से, कबीरा बेच कर शेयर करे ये वीडियो, इसकी वजह से सब कुछ हुआ, इसकी वजह से मैं गिरा हूँ। ऐसा होना बहुत लाजमी होता है कि आप कुछ ऐसा हो जिससे आपको अल्लाह याद आ जाए, और जिस तकलीफ से आपको अल्लाह याद आ जाए वो तकलीफ तकलीफ नहीं होती, वो मतलब अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट होता है। सो थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का अलग शुक्र है जिसकी वजह से मतलब मुझे अल्लाह याद आया इस तकलीफ की वजह से, और अल्लाह को मैं याद आया कि मेरा भी ऐसे बंदा है जो इतना गुनहगार है। खैर, जो भी है, लाइफ का पार्ट होता रहेगा। और ये मेरा भात है, ये मेरा पाँव, और ये दूसरे वाला हाथ है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आई एम गुड, आई एम गुड। सो आप लोग टेंशन ना ले और बस दुआएं भेजो, और लगे हाथों काशिफ भाई से चैनल भी सब्सक्राइब करा लिया, सही है, मानते हो कि नहीं स्ट्रेटेजी? दादा ये था कि रात को सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, लेकिन जो कुछ हुआ देख हुए आए हैं यहाँ तक, तो आपने देख लिया होगा कि क्या हुआ, और हाथ में शदीद पेन हो रहा है, सारी रात सोया नहीं है, शक्ल वो पफी फेस बना हुआ है, स्लीपी फेस, मैं नहीं, सबकी यही हालत है, सभी नहीं सोए,
और अभी उठे नाश्ता कर रहे हैं और हिम्माद और जाकिर बना रहे हैं पराठे। और आज क्योंकि मैं मेरी तबीयत ही ठीक वैसे हिम्माद भी ये वाला है ये और ठान और सब कुछ। खैर मेरी तबीयत नहीं ठीक मैं नहीं बना सकती, ये लोग बनाएंगे। और अच्छा सुबह के 10:30 बज चुके, 11 बजे तक हमने एयरपोर्ट पहुंचना था लेकिन हमेशा देर कर देते हैं हम हर काम करने में, तो आज भी लेट है। एक दोस्त आ रहा है उसका सामान पकड़ के जाना है और पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहा, इतना लेट हो गया। और वक्त रेडी हो गया है और ये मैं आपको क्लियरली दिखा दूँ हो क्या रहा है, क्योंकि दिखाया तो कुछ भी जा सकता है। पीछे मैं आपको बताऊँ ये वाला बैग है, ये इसको टाइट कर रहे हैं और कुछ नहीं भाई। हाँ नहीं नहीं ये जस्ट 18+ जोक। अच्छा आज वकर को हमने फ्रंट सीट दी हुई है क्योंकि ये बेचारा जा रहा है पाकिस्तान तो नए कपड़ों में चला जाए। अच्छा पीछे हमाद को देखो बेचारा फर्श पर बैठा हुआ, नो सीट फॉर हिम। मतलब यही होता है, इस तरह तो होगा इस तरह के कामों में। और एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यार नींद इतनी आ रही है, ब्लॉग कंप्लीट करने का दिल ही नहीं हो रहा, लेकिन क्या ग्रैब करना पड़ेगा शुरू जो किया है। अच्छा सो अबूबकर के लगेज का इशू है, इसका इतना लाउड नहीं था जितना ये लेके जा रहा है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चलिए देखते हैं। यार टाइम बहुत कम है इसलिए ज़रा वो करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब जा रहा है अबूबकर तो ये गॉन और हम लोग यार फिर उसका वेट करेंगे कि उसका कोई इशू हो उससे भी दोबारा मिल लें। अच्छा उसको छोड़ के आ गए हैं और वापस जा रहे हैं और पता नहीं अब क्या होगा, अल्लाह करे वो खैर खैरियत से चला जाए और उसको कोई मसला ना हो। उसके सामान ज़्यादा है, उसका लगेज इतना लाउड है उससे ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं देखते। और आज हम पहली बार वैसे ये मनास एयरपोर्ट की ऊपर वाले फ्लोर पर आए हैं, मतलब पहली बार मैं आया हूँ, शायद ये लोग आए हुए हों, लेकिन ये भी सही है प्यारा है। और यार ये एयरपोर्ट है ही कितना, डाइवो टर्मिनल जितना तो है सारा, अगर को अंदर छोड़ रहे हैं अभी इसी इंतजार में बैठे कि उसका कोई मसला हो सामान वगैरह तो वापस लेके चले जाए। सो ट्विस्ट आफ्टर ट्विस्ट, ट्विस्ट आफ्टर ट्विस्ट एंड सिलसिला जारी रहता है। सो अबूबकर को कोई भी सामान लेके जाने नहीं दे रहे और उसके दोनों बैग ये और एक दूसरा आ रहा है, दोनों वापस हम लेके जाएंगे घर और वो बेचारा ऐसे ही जाएगा। और उसने अपनी भतीजियों के लिए शॉपिंग की थी और इतना सब कुछ लिया था, परफ्यूम्स वगैरह इतना सारा कुछ, वो सब कुछ फजूल में जाएगा। सो आई एम फीलिंग रियली सैड फॉर दिस गाय, पता नहीं इस बार इसके साथ क्या हो रहा है, फजूल सा सब कुछ हो रहा है इसके साथ, लेकिन खैर अब क्या कह सकते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा तो बस इसका ये सामान इस बैग में इसको पकड़ा के इस बैग से और ये चीज़ें हम वापस लेके जा रहे हैं। अब अल्लाह करे कि इसको और कोई मसला ना, और सीधा बस ये पहुँच जाए आराम से। फाइनली अबूबकर को अंदर भेज दिया है, वो इमिग्रेशन काउंटर तक पहुंच गया है और अभी यहाँ से हम लोगों ने बैग दोनों उसके रह गए। सैड लाइफ बेचारे के साथ नहीं क्या हो रहा है। अभी रात को बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, लेकिन जब से मैं गिरा हूँ उसके बाद से सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हुआ उसके बाद से। खैर चलो आज के लिए काफ़ी था ये और सही किया सारा कुछ, अल्लाह करे वो खैर खैरियत से खैर व आफियत से घर पहुँचे, हमारी दुआएं उसके साथ हैं। और तब तक के लिए बस इतना ही, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। और दिस वाज जस्ट टू स्टे इन लूप, पता नहीं मेरी बातें वो हो रही है, लेकिन खैर यही तक था और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बाय विद लव फ्रॉम यासिर।